अच्छा देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट देने के लिए जो है आप लोगों को कुछ क्वेश्चन या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं लॉजिकल बेस पे। अब एक तो टॉपिक डिस्कस हो रहा है, टॉपिक के अंदर की जो डिफरेंट चीज़ें हम लोग किस तरीके से डिस्कस करते हैं उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। जैसे केमिक्स फॉर्मेशन हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है, चैप्टर 4 में इंट्रोडक्शन में, गैमेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे हमने गैमेट्स की फॉर्मेशन पढ़ी है। और जेनेटिक्स में हमने किस तरीके से पढ़ा, उनकी डिविजन्स कैसे होती है, ये जो फॉर्मेशन होती है आगे डिविजन्स किस तरीके से हो रही होती है क्रोमोसोम में, हमने वो चीज़ें पढ़ी। उसके बाद किस तरीके के टाइप बन सकते हैं इसमें, किस चीज़ के, किस चीज़ का फ़र्क होता है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें आप लोग, ये जो क्वेश्चन है ना ये पूछ लिया जाता है कि हमारे पास, हमने मेंडल्स के जब लॉ पढ़े थे तो मेंडल्स के लॉ में फर्स्ट लॉ था जिसके अंदर हम लोग एक ट्रेड का डिफरेंस पढ़ते थे, एक ही ट्रेड को कंसीडर करते थे। उसके अंदर अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो एक ही तरीके का गैमेट बनता था एक टाइप का, और हेटरोजाइगस कंडीशन थी तो दो तरीके से गैमेट बनता था। जैसे ये वाला है मिसाल के तौर पर, गैमेट्स में क्या होता है, ये है एक सेल, अब ये 2n है, तभी तो यहाँ पर दो वाली एक साथ इस तरीके से सामने बताया 2n है। अब जो गैमेट्स बनता है तो गैमेट्स के अंदर तो n हो जाता है, n होने का मतलब ये कि एक क्रोमोसोम एक एक हिस्सा अलग अलग जाएगा, तो इसमें से एक चीज़ ही आगे आती है, वो कौन सी आती है, एक क्रोमोसोम आएगा। अब क्या होगा कि दो जो आगे n में डिवाइड होंगे, ये वाले n अगर इनसे बनेगा तो n के अंदर ये हाफ हाफ जाएगा, हाफ हाफ जो जाएंगे वो सेम ही जाएंगे, अलग अलग ही जाएंगे, इसके पास एक ही तरीके का है, तो दोनों में जब क्रोमोसोम जो आगे जाएंगे, जीन जो आगे जाएगा वो एक ही तरीके का जाएगा, ऐसे ही है। तो इसकी वजह से जब टाइप एक ही है तो हम लोग इसको नॉर्मली कहते हैं, इसके अंदर बस एक ही टाइप का जो हम वो बनता है, जो हम लोग आप ऊपर भी पहले हम लोग करके आ चुके हैं मेंडल में, हमने पूरे उसमें से एक ही सिर निकाल के वहाँ पे बना दिया था कि उसमें से एक ही बनता है, टाइप एक ही है और यही जो है ना बाकी डॉटर्स में जाएगा, डॉटर सेल में। इस तरीके से ये वाला आ गया एक मेंडल का एक ट्रेड, लेना एक ट्रेड है, अब उसके अंदर हेटरोजाइगस कंडीशन, इसको अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे तो क्या होगा, जब n n में डिवाइड होगा तो एक के पास ये वाला जाएगा, एक के पास दूसरा जाएगा, दो ही हैं, जब n में जा रहा है हाफ हो रहे हैं तो एक साइड एक में चल जाएगी, एक साइड एक में चल जाएगी, तो एक तो गैमेट में जो एक क्रोमोसोम आएगा उसके अंदर ये वाला कंटेंट करेगा और दूसरा वाला जो गैमेट बनेगा वो ये वाला कंटेंट करेगा, जिसका मतलब दो टाइप के गैमेट बन जाएंगे, उस ट्रेड के हिसाब से दो टाइप के गैमेट बन जाएंगे, गैमेट एक टाइप का नहीं होगा। अब जिस इंडिविजुअल में ये वाला गैमेट चला गया जिससे फर्टिलाइजेशन हो गई, समझ रहे, जिससे फर्टिलाइजेशन हो गई, अगर ये वाला गैमेट चला गया तो वाला करेक्टर उसके अंदर आ जाएगा, यानी रिसेसिव करेक्टर आ जाएगा, जैसे ब्लड ग्रुप में हम लोग पहले पढ़ रहे थे आई टाइप का, अगर स्मॉल आई आ गया तो आई स्मॉल आई आगे चले जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप उस पर डिपेंड कर जाएगा दूसरे पेरेंट का, अगर कोई डोमिनेंट है तो ठीक है वरना ओ नेगेटिव बन जाएगा उसका ब्लड ग्रुप, ऐसा ही होगा। ये चीज़ है, तो इसमें क्या है, दो टाइप के गैमेट बन जाएंगे, अब दो टाइप के गैमेट में कोई भी आके फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, हमें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पे नहीं जानी, हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करें कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं और ये हम लोग कैसे फाउंड आउट करेंगे, सही है। तो अब क्या है, अगर एक ट्रेड है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक ट्रेड के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि डिफरेंस कितने तरीके का, अगर मिसाल के तौर पर दो ट्रेड है, दो ट्रेड कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग दो ट्रेड को कंसिडर करते हुए बनाएंगे, इसमें कितना कितने टाइप के गैमेट्स बन जाएंगे, अब ये बताएं, जैसे आपको बात समझाइए मैंने, इसमें से बताया कितने टाइप के गैमेट्स बन जाएंगे, डबल आर आप बताएं, इसमें दो बनेंगे, इसमें भी दो, इसमें कितने बनेंगे, इसमें टाइप बताने टोटल, इसमें दो टाइप के बनेंगे, इसमें एक टाइप का गैमेट बनेगा, आप बताएं जी आपका नाम क्या है, सात, हाँ इसमें कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, हाँ दो टाइप के बनेंगे, कि कौन कौन से टाइप होंगे, टी आर तो एक ये वाला टी आएगा, ये वाला आर आएगा, एक ये वाला टी आएगा, ये वाला आर आएगा, तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो टी आर एक एक उसमें जाएगा ना, टी आर, और आपने क्या बताया, आपने जो बताया इसका वो बताया आपने, दो बनेंगे, टी टी एक जगह आ जाएगा, आर आर एक एक जगह आ जाएगा, आपने ये बात,
देखिए मैंने ये कहा कि ये जो आर आ रहे हैं ये एक ट्रेड को प्रेजेंट करने वाला अलग जीन है, ये जो टी है ये एक दूसरे ट्रेड को रिप्रेजेंट करने वाला अलग जीन है। हमारे पास सेपरेट क्या होते हैं, अलील सेपरेट होते हैं, जीन सेपरेट नहीं होते। आपने आर आ रहा क्योंकि दोनों अलग अलग जीन को सेपरेट कर दिया भाई, दो क्रोमोसोम में अलील डिवाइड होंगे, आगे जो मुंतकिल होंगे वो एक अलील जाएगा ना। अलील की बात होती है हमेशा गैमेट फॉर्मेशन में, तभी तो वो एन बनता है और तभी वैरायटीज आती हैं। पेरेंट का क्या बनता है, ये वाला बनता है। तो पेरेंट में क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे देखें पेरेंट के अंदर हेटेरोजाइगस की डोमिनेंट कंडीशन वाला एक ट्रेड टॉलनेस का शो हो रहा है। यहाँ पे देखें ये गैमेट कौन सा आ रहा है, शॉर्ट का भी आ रहा है, डॉट का भी आ रहा है। तो ये वाला जो है ये अगर आगे आएगा तो वो चाइल्ड के अंदर दूसरी चीज क्या करेगा, डार्कनेस वो कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा। अब जब गार्डन एक्सप्रेस हो जाएगी तो इसका मतलब वैरायटी आ गई इसके मुकाबले में इधर पे ऑफ स्प्रिंग के अंदर, तो वो अलील की वजह से आती है। आपने जो ट्रेड अलग कर दिया ऐसा कोई होता है भाई, ये तो ट्रेड पेरेंट का जहाँ पता है उसके अंदर कच का क्या है, कोई कलर का ही ट्रेड ही नहीं है, कलर का वो क्या है बगैर कलर का है, ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसा तो नहीं होगा। ट्रेड वाला कोई ना कोई जीन तो होगा जो उसको कलर वाला जो उसको दे रहा है, तो क्या होगा इस तरीके से होगी, एक वाला अलील जाएगा एक वाला अलील जाएगा, इस तरीके से हम लोग आगे भेजते हैं। अब इस तरीके से जाएगा तो कितने टाइप के बन रहे, कहाँ से दो टाइप, ये दोनों एक ही टाइप है मतलब एक भाई। इसका तो ये तो हम लोग लिख रहे हैं इस तरीके, तो पता नहीं करोड़ों सेल जाते हैं, हम टाइप कह रहे हैं दो वो बन रहे, दो वो तो गलत है, ये तो कोई बात ही नहीं भाई। एक जब एक मरतबा गैमेट प्रोडक्शन होती है ना, जब सेल मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन गलत बात कही, वही बात गलत है, वही बात गलत है। हम पूछे टाइप कितनी बनेगी, हाँ तो सर वो नहीं बोला था, फिर आपने क्या बोला था, दो वो बने, दो क्या बने सर, जैसे टी आर टी आर ही एक है, इससे दो वो बन गए ना जी, गेमिंग एक टी आर ये बन गया, एक टी आर दो गेमिंग बन गए, ये दो गेमिंग बन गए, करोड़ों गेमिंग्स होंगे, करोड़ों बनेंगे, दो नहीं बनेंगे। यही टी आर वाले जो है ना, ये एक है ना मैंने यहाँ पे बनाया एक है, बात सुनो यहाँ पे मैंने एक ही ड्रॉ किया इसके आपने कही नंबर्स की बात, मैं कह रहा हूँ टाइप की बात, सही बात भी समझ, टाइप तो एक ही नंबर भी आप जहन में रखें कि मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया तो ये करोड़ों होंगे, मिलियंस में होंगे, लेकिन आपकी टाइप हमें फाइंड आउट करनी है, नंबर फाइंड आउट नहीं करने होंगे, समझ गए। अब वहाँ पे आप पेपर में ये बात फिलहाल याद रखिएगा, वरना आप करके आज ना टाइप में जो है ना दो तरीके से, ये आप कंफ्यूज थे अभी आपको समझ आ गई बात में, लेकिन आप इसमें शुरू होने की बात ये आते हैं आप समझ जाए। इसमें गेमिट्स की बात कर रहा हूँ, गेमिट्स तो मेरे चाहे फीमेल की होगी या मेल की बात हो रही है, वो आप उसको बस जहन में रखें। तो टाइप एक बनेगी, इसमें कितनी टाइप बन जाएगी समझ आ रहा है, कुछ चीज़ क्लियर हो रही है, कहने अभी वीडियो लंबी हो जाएगी भाई, एक एक ट्रेड कर कर आएगा ना, ये वाला टी ये वाला आर टी चार बन जाएंगे, चार बन जाएंगे टी आर, ये वाला एक बन जाएगा, एक ये वाले टी के साथ स्मॉल आर आ जाएगा, एक स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर आ जाएगा, और एक स्मॉल टी स्मॉल आर, चार टाइप बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बताएं छः बनेंगे, बनाए जल्दी 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 फटाफट, सोलह बन जाएंगे, क्या बना दो भाई आगे भी डिस्कस करना है। बात सुने इस चीज़ को याद रखें कि कैसे पता चलेगा कितना बनेंगे, यहाँ पे दो ट्रेड थे अभी रुक जाएंगे, इसका बताए इसमें कितने बनेंगे जल्दी बताए, छः मिलियन बन जाएंगे, छः नहीं बनेंगे सर, पाँच बनेंगे, दो टाइप बनेंगे, कौन कौन से टाइप एक ही बनेगा सर। अब सुन ले, अब बात सुन, सब बात सुन, बात सुन, बात सुनो बेटा, एक सेकंड खामोश, एग्जैक्टली यही बात हो रही है कि आपको ट्रेड जितने भी आ जाए आपको टाइप कितनी बनेगी वो बता दें, यहाँ पे भी कोई छह टाइप नहीं बनेगी। बात सुनिए, ये कैसे पता चल रहा है, ये कैसे पता चल रहा है, इधर देखो ये दो कैपिटल है, ये एक ही कंसिडर होगा,
अब ये वाला टी जो है इससे मिले या ये वाला टी इससे मिले, ये वाले टी को हम लोग एक ही एक यूनिट लेंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, जो डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर आ रहा था दो का, वही डिफरेंस यहाँ पर भी है दो का, तो यहाँ पे भी चार ही बनेंगे, पाँच हो गए, पाँच हो गए। टी का क्या होगा, टी अलग निकल के भाग जाएगा, टी का कोई डाइट होगा, टी तो दोनों एक ही है ना, डिफरेंस ही नहीं है। इसको फाइंड आउट करने का बात समझ जाए, आपको याद रखें, ये वाला टी इससे मिला एक बना, ये वाला टी इससे मिला, यानी एक के साथ ये वाली ट्रेड आएंगे, तीनों में से एक एक चीज़ें आएंगी, तीन ट्रेड है, तीनों के एक एक अदील आएगा। ये वाला टी, ये वाला आर, ये वाला आर एक टाइप, ये वाला टी, ये वाला आर, ये वाला सी दूसरा टाइप, यही वाला टी, ये वाला आर स्मॉल वाला सी तीसरा, यही वाला टी, ये वाला स्मॉल वाला इसका कैपिटल, चार हो गए। अब ये वाले टी को मिल, अब ये वाले टी को अलग से गिनूँ, ये तो सेम ही है, ये तो सेम ही अलील है ना डोमिनेंट, तो इसमें टाइप अलग नहीं बन रही। तो आपको पता कैसे चलता है कि ट्रेड जितने भी हों अलील में कितना डिफरेंस आ रहा है उससे पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पे तीन ट्रेड हैं, आपसे इसको पता नहीं कि अब 36 कह देते मेरा ख्याल में, ये 36 नहीं बनेगा, नहीं बोला था, बनेगा क्या इसमें एक ही टाइप बनेगा। क्यों एक टाइप बनेगा, क्योंकि डिफरेंस एक का भी नहीं है, ट्रेड्स में डिफरेंस एक का भी नहीं है, अलील का डिफरेंस नहीं आ रहा है इसमें, समझ आ रही है बात। तो आप इसको कैसे याद रखना है कि जितना डिफरेंस आएगा अलील के दरमियान उतने ही ज़्यादा हम लोग टाइप्स को डिवाइड करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, आप उससे मल्टीप्लाई कर दें, मिसाल के तौर पर फॉर्मूले के तौर पर ध्यान से रखें, इसमें देखें एक भी डिफरेंस नहीं था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक भी डिफरेंस नहीं है तो उसके अंदर जो है एक ही टाइप बन गई है। दूसरे में क्या है, एक का डिफरेंस आ रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, टू कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे ताकि हमारे पास दो आ जाएंगे, दो आ रहे हैं ना, एक का डिफरेंस दो तरीके का आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे। तो पहले तो एक ही है, जब एक का डिफरेंस आया तो हमने उसको एक को मल्टीप्लाई बाय टू कर दिया, कोई भी डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब एक टाइप का बनेगा, जो कि यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अभी बात सुनो, एक का डिफरेंस आया तो क्या हो गया, दो टाइप के बन गए, हमने मल्टीप्लाई बाय इस वन को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिफरेंस कितने का आया उसके बाद, एक तो ये था इसमें, एक का डिफरेंस आया था तो हमने टू से मल्टीप्लाई करते थे, दो का डिफरेंस आया है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, चार से, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे चार से, हो क्या रहा है कि जितना डिफरेंस आ रहा है वो उसी नंबर से उसी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, एक का डिफरेंस आ रहा है तो हमारे पास दो बन रहे हैं, सही है। तो अब अगर दो वाला आपने ध्यान में रखना है, एक का डिफरेंस आ गया तो इसमें दो बन रहा है, बस सिंपल क्या याद रखना है, एक का डिफरेंस आ रहा है तो दो बन रहा है। अब कितने ज़्यादा डिफरेंस होते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय टू से जो है ना बढ़ाते जाएंगे, समझ आ रही है बात। जैसे यहाँ पे अगर किसका था, एक का डिफरेंस था, चलिए एक में डिफरेंस नहीं है उसमें एक बन रहे थे, इसमें एक का डिफरेंस था तो दो बन रहे थे, चलिए अब अगर डिफरेंस कितने का हो रहा है, दो का हो रहा है, तो हम लोग इसको ही दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो में कितने हो जाएंगे टोटल हमारे पास बन जाएंगे चार। और अगर इसमें कितना बन रहा है, टू का डिफरेंस है तो टू का डिफरेंस हमने इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, चार बन गए। अब हम लोग इसको देखें, इसमें क्या है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, तीन का आ रहा है, तो इस टू को जो है हम लोग मल्टीप्लाई बाय थ्री कर देंगे, सिक्स हो जाएंगे। पर क्या है कि जो ये जो मतलब आ गई ना, ये चीज़ ये टाइम्स की तरह से यूज हो रहा है, टाइम्स की तरह से क्या होगा, टाइम्स टाइप आ जाएंगे इसमें, यानी टी है टी आर टी आर एक टाइप का बन जाएगा, इसके निकालें। देखिए ये वाला टी जो है इससे इससे मिला, ये वाला टी इससे मिला दो, ये वाला टी इससे और फिर इसके स्मॉल से मिला, और ये वाला टी इसके स्मॉल से इसके कैपिटल से मिला, इससे चार बन गए, यही चार टाइप इस वाले से भी बन जाएंगे, आठ हो जाएंगे, दो सेम आ जाएंगे, मैंने लिखवाया नहीं है,
मैंने वही बात कही कि आप उस कैलकुलेशन पे जा रहे थे सीधा। सही सही। आप उसी कैलकुलेशन पे जा रहे थे सीधा, तो यही उसमें था। तो आपने जितना डिफरेंस आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय टू से जो है डबल डबल करते जाना है। एक का डिफरेंस आ रहा था तो हमने एक को डबल कर दिया था टू, टू का डिफरेंस आएगा तो दो को डबल कर देंगे, सही है। तीन का डिफरेंस आएगा तो चार को डबल कर देंगे, चार का डिफरेंस आएगा तो आठ हम लोग जो है उसको डबल कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, फिर चार का डिफरेंस आएगा तो हमारा बन कितने जाएंगे, सिक्सटीन टाइप के बनेंगे, सही है। तो उसको हम लोग डबल करते जा रहे हैं एक दूसरे, जितना एक डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसको बन कर देंगे।